चलो कौन बताएगा वेंचुरी मीटर क्या होता है? व्हाट्स अ वेंचुरी मीटर? ध्रुव, व्हाट्स अ वेंचुरी मीटर? हाँ, मैं यही सुनना चाहती थी कि मैंने ये बताया ही नहीं कि वेंचुरी मीटर होता गया है। चलो बैठ। व्हाट इज टॉरिसली थ्योरम? व्हाट इज टॉरिसली थ्योरम? काव्या, टॉरिसली थ्योरम हमने प्रूव भी कर ली, बताओ क्या होती है? स्टैंड अप। व्हाट इट इज अबाउट? टॉरिसली थ्योरम, व्हाट इट इज अबाउट? मन्नत, व्हाट इज टॉरिसली थ्योरम? रीड नहीं करना, स्टैंड अप एंड टेल मी। बंद कर दो ये, इन्वर्ट कर दो पेज। हाँ बताओ, आप बताओ। थ्रू अ हाइट इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन फ्री सर्फेस एंड ओरिफिस। velocity of efflux of liquid coming out of an orifice is same as velocity of an object falling freely through a height equal to distance between free surface and orifice. बैठ जाओ, पढ़ना शुरू करो भाई। तो उसका फॉर्मूला क्या था velocity of efflux का? अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच। 45 रोल नंबर। वेंचुरी मीटर वी वर डूइंग, दिस इज अगेन मैथमेटिकल एप्लीकेशन। वेंचुरी मीटर डिटरमिन्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ पाइप। इट गिव्स अस रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ पाइप। तो ये रेट ऑफ फ्लो देता। आपको याद है डायमेंशनल एनालिसिस में हमने एक क्वेश्चन किया था, रेट ऑफ फ्लो पाई बाय 8 पी बाय एल आर 4 बाय ईटा। ये फॉर्मूला की बात नहीं कर रही हूँ, ये जो वी था, इफ यू रिमेम्बर, इट वाज रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, इट वाज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। इसकी डायमेंशन आपने अकेली L3 नहीं ली थी, L3 T-1 ली थी, वॉल्यूम पर सेकेंड लिया था, उसको रेट ऑफ फ्लो कहते हैं। ठीक है, सो वेंचुरी मीटर गिव्स अस दिस वी, इट गिव्स अस रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, और You can say it gives us volume of liquid flowing per second. So this is the purpose of a venturi meter. I had drawn this diagram. वो आपको clear होगा. Coaxial tube. Varying areas of cross section. Here area of cross section is A1, pressure is P1, velocity of liquid is V1. Here it is A2, velocity is V2 and pressure is P2. Level of liquid is more here, level of liquid is less here. This is H2 and this is H1. ठीक है, चलिए अब रेट ऑफ फ्लो निकालना है हमने, राइट? तो ये हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, फर्स्ट ऑफ ऑल द ट्यूब इज हॉरिजॉन्टल। तो बर्नौली थ्योरम विल बी एप्लीकेबल हेयर एंड हेयर आल्सो। ठीक है, तो वो यहां दोनों पॉइंट्स पे बर्नौली थ्योरम लगाते हैं, तो हाइट वाली टर्म नहीं आएगी बस वहां पे। Using Bernoulli's theorem, P1 by rho plus half V1 square is P2 by rho plus half V2 square. ठीक है, P1 minus P2 by rho is half V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। इधर ले आए,
10 questions, 1 mark, 10 questions, maybe in the form of MCQs, maybe in the form of fill in the blanks or one word answer, whatever. 10 questions of 1 mark, then 6 questions of 2 marks, 6 questions of 3 marks, 2 questions of 5 marks. Total 50 ka ho gaya. Aditya Joshi. Theek hai? 10 questions of 1 mark, 6 questions of 2 marks, 3 questions, 6 questions of 3 marks also, and 2 questions of 5 marks. टोटल 50 मार्क्स का पेपर होगा आपका नेक्स्ट जो टर्म स्टार्टिंग इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर. एमसीक्यूज 10, मतलब कि वो मैं आपको बता रही हूँ ना, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में भी हो सकते हैं, मतलब वन वर्ड होंगे, कुछ एमसीक्यू भी होंगे वैसे होंगे. ठीक है, सो दिस इज योर पैटर्न ऑफ पेपर. सिलेबस आपको पता ही है, फ्रॉम ग्रेविटेशन ऑनवर्ड्स. ग्रेविटेशन ऑनवर्ड्स, ग्रेविटेशन, रोटेशनल मोशन, फिर उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर किया, कर रहे हैं, और देखते हैं कितना टाइम बचता है, उसके अकॉर्डिंगली हम हीट का भी देखें. P1, प्रेशर कैन बी रिटन एज, ये P1 है ना, ये इसको H1 लो, ये P2 है, इसको H2 लो. सो P1 कैन बी रिटन एज H1 रो जी, P2 कैन बी रिटन एज H2 रो जी ओवर रो इक्वल टू हाफ. अब देखो आगे, पहले तो पी को एच रो जी पुट किया सिंपली. नाउ सी, वी विल यूज अगेन वन रिजल्ट फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. इफ यू रिमेंबर, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से a1 v1 a2 v2 किसके इक्वल आ रहा था, m बाय रो के इक्वल. व्हाट इज मास ऑफ अ डेंसिटी, वॉल्यूम, और क्योंकि ये मास पर सेकंड है तो ये वॉल्यूम भी पर सेकंड ही होगा. तो इसका मतलब a1 v1 इज a2 v2 इक्वल टू वॉल्यूम पर सेकंड, रेट ऑफ फ्लो के इक्वल ही है ये. सो वी विल पुट हियर v2 इक्वल टू v ओवर a2 एंड वी विल पुट v1 इक्वल टू v ओवर a1. तो यहां पे हम रेट ऑफ फ्लो इस तरह से लेके आ रहे हैं एक्सप्रेशन के अंदर. सो पुट इट हियर नाउ, v2 स्क्वायर को v स्क्वायर ओवर a2 स्क्वायर, v स्क्वायर ओवर a1 स्क्वायर. इज दिस स्टेप क्लियर? अ सी सी दैट फाइन. अब ये h1 माइनस h2 रो कैंसल आउट हो जाएगा यहां पे, v स्क्वायर बाय 2 कॉमन, एलसीएम ले लो a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर, a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर. ऑब्वियसली वी विल सॉल्व, जहां तक हम कर सकते हैं वहां तक सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो व्हाट इज h1 माइनस h2, डिफरेंस इन लेवल्स, लेट अस से इट इज h, डिफरेंस इन लेवल्स इज h सपोज. सो hg, ये 2 भी इधर ले जाओ, 2hg क्रॉस मल्टीप्लाई a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर इज v स्क्वायर a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर, क्योंकि हमें रेट ऑफ फ्लो v निकालना. तो v कितना हो गया फाइनली, सो दिस इज गिविंग अस रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड. मतलब अपने वे से सॉल्व करिए, एलसीएम लो और ये वी आ जाएगा आपका, वी स्क्वायर है ना, तो अंडर रूट लो दूसरी साइड पे, ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर उसका स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा. सो यू विल हैव आउटसाइड द अंडर रूट a1 a2. Okay, so this is another application of Bernoulli's theorem, Venturi meter.
So these were all the applications of Bernoulli's theorem. So our viscosity topic is chapter is also over. Now next chapter after this is surface tension. Surface tension से पहले अभी जो मैंने formula लिखा था वो भी एक बार note कर लो. Poiseuille formula है वो. Poiseuille formula. That gives us rate of flow of liquid through a pipe. Pi by A, T by L, R 4 by eta. What is P by L here? Pressure gradient. P by L is pressure gradient here. Eta kya hai? Coefficient of viscosity and R is radius of the pipe through which the liquid is flowing. R raised to power 4. R 4 by eta. और अगर इसको प्रूव करना है तो कैसे करेंगे? डायमेंशनली. वी विल प्रूव दिस यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस. इस फॉर्मूला को ऑलरेडी हम चेक किया, प्रूव कर चुके हैं. तो उसमें हमने क्या किया है, चार फैक्टर है ना, P, L, R, eta. तो इसको एक फैक्टर लो गया, प्रेशर ग्रेडियंट रेज दैट टू पावर A, देन R रेज टू पावर B, eta रेज टू पावर C, लाइक दैट. सो टेक थ्री फैक्टर्स एंड डिराइव इन द सेम वे, यू विल गेट दिस फॉर्मूला ऑफ रेट ऑफ. So next chapter we are going to start with surface tension. Surface tension. वो कहाँ गया हरनूर? हाँ जी. Surface tension सुन के मुझे हरनूर की वो activity याद आ जाती है, mosquito वाली, क्योंकि वो surface tension का example है ना. तो have you noticed surface tension anywhere else also in your daily life? एक तो ये mosquito वाला example हो गया ना, वो तो आपके सामने ही है कि how mosquitoes are able to sit on the water surface because of surface tension of water. ठीक है, तो आपने अगर closely किसी water surface को देखा हो तो it appears like a stretched membrane. वो एक बड़ी फाइन सी जो सरफेस है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह दिखती है. जैसे मर्करी ड्रॉप का सरफेस देखो आप, तो एक स्ट्रेच सी मेम्ब्रेन, और उसका मिनिस्कस प्लेन नहीं होता है, इधर इट इज कनकेव और कन्वेक्स, राइट. फॉर एग्जांपल व्हेन यू सी लिक्विड इन ब्यूरेट इन केमिस्ट्री लैब, तो उसका मिनिस्कस वाटर का बिल्कुल कनकेव शेप्ड होता है ना. तो आप उसका लोअर लेवल रीड करते हैं, ऐसे ही होता है ना. मर्करी हमारे पास बैरोमीटर में है, मर्करी आप देखोगे उसका लेवल, उसका मिनिस्कस जो है वो ऐसा है, कन्वेक्स है, तो उसके अपर लेवल को रीड किया जाता है, लाइक दैट. ठीक है, सो इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ लिक्विड वेदर इट्स मिनिस्कस, इसको मिनिस्कस बोलते हैं, इज कनकेव और कन्वेक्स, राइट. और हर लिक्विड सरफेस जो है इट एक्ट्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन. And this property due to which it acts like a stretched membrane is called surface tension. अब उसका reason क्या है वो अभी हम करते हैं कि ऐसे क्यों होता है. But any practical life, any example from your practical life if you can share, then it would be more clear. Oil drop in water. Oil forms a layer over water because surface tension of oil is less than that of water. So that's why oil जो है वो उसके ऊपर रहता है. यस, वेरी गुड एग्जाम्पल जो हम नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं कि ऑयल जो है वो वाटर में के सिंक नहीं करता, फ्लोट करता, ऊपर ही रहता है. क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन कम है उसको और कोई. सो इट स्प्रेड्स ओवर वाटर वेरी इजीली. जितनी सरफेस टेंशन कम होगी स्प्रेडेबिलिटी विल बी मोर. ठीक है, जितनी सरफेस टेंशन कम होगी उतनी वेटेबिलिटी या स्प्रेडेबिलिटी ज्यादा होगी. ये नोट कर लीजिए, लिक्विड उतना ही स्प्रेड करेगा उतना ही जो है वो वेट करेगा किसी और चीज को, सॉलिड को वेट करेगा लिक्विड. सो वेटेबिलिटी एंड स्प्रेडेबिलिटी इज मोर इफ सरफेस टेंशन इज लेस, एंड इफ सरफेस टेंशन इज मोर देन स्प्रेडेबिलिटी या वाटर प्रूफिंग एबिलिटी इंक्रीजेस. अगर सरफेस टेंशन ज्यादा हो तो वाटर प्रूफिंग एबिलिटीज आर इंडिकेटेड इन द लिक्विड.
ठीक है, वॉटर प्रूफिंग एबिलिटीज आर इंडिकेटेड. हाँ लिक्विड्स की होती है ज्यादा, वैसे गैसेस में भी होती है सरफेस में. फ्लूइड्स, फ्लूइड्स हम ये जो सारी प्रॉपर्टीज ना फ्लूइड्स की कर रहे हैं, ये तीन चैप्टर जो है ना, प्रेशर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लूइड्स. तो ये दोनों की ही प्रॉपर्टीज है, हमें ज्यादा ये विजिबल होती है फ्लूइड्स लिक्विड्स के लिए. ओके, हैव यू ऑब्जर्व कि अगर आपका कोई डर्टी क्लॉथ है तो आप उसको अगर अकेले प्लेन वाटर से वॉश करो तो अच्छी तरह से वॉश नहीं होता, ठीक है, वो डर्ट नहीं जाती, ग्रीस नहीं जाती. सो यू एड सोप्स और डिटर्जेंट्स. ऐसे ही हैंड वॉशिंग के लिए भी आपको सोप लगाना ही पड़ता है, अदरवाइज आपके ऑयली हैंड है अगर तो वो ऑयल नहीं जाएगा, है ना. तो व्हाट हैपेंस व्हेन यू मिक्स सोप और डिटर्जेंट एंड वॉटर, सरफेस टेंशन ऑफ वॉटर डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ सोप और डिटर्जेंट. तो वॉटर की सर्फेस टेंशन डिक्रीज हो जाती है, अब वो जो वॉटर है वो डर्ट के या क्लॉथ के अंदर तक रिंस करता है उसको, उसकी वेटेबिलिटी बढ़ जाती है ना, सर्फेस टेंशन कम हो जाती है, वेटेबिलिटी इंक्रीजेस एंड इट रिंसेस द क्लोथ बेटर, क्लोथ के पोर्स तक जाके उसको क्लीन करता है और उससे वो अब क्लीन हो जाती है, डर्ट ऐसे होता है. बट ऑन द अदर हैंड आपने कभी देखा होगा कि जो कई न्यू सूट लिया हो अगर कुछ, तो उसमें से क्लॉथ जो है धोने पे वॉशिंग पे निकलता है जब, तो उसको कुछ देर सॉल्टी वाटर में सोक करके रखे तो कम होता है, सुना होगा आपने कभी, यू मस्ट हैव सीन योर मदर्स डूइंग दैट. तो उसको अगर सॉल्टी वाटर में वो थोड़ी देर सोक करके रखें तो कलर नहीं निकलता ज्यादा, उसका रीजन क्या है, बिकॉज एडिशन ऑफ सॉल्ट टू वॉटर इंक्रीजेस द सर्फेस टेंशन, एडिशन ऑफ सॉल्ट टू वॉटर इंक्रीजेस द सर्फेस टेंशन, उसकी वॉटर प्रूफिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी, वेटेबिलिटी कम हो जाएगी, अब जो वॉटर है वो उसको पोर्स तक जाके रिंस नहीं करेगा उसको, ठीक है, तो उसको अगर जितना पोर्स तक जाएगा उतना कलर और ज्यादा निकलेगा, तो उसको थोड़ा सा वॉटर प्रूफिंग ही वो रखता है और उससे कलर कंपेरेटिवली कम रिलीज होता है, इज दैट ओके, अदरवाइज वो बाकी जो क्लॉथ्स हैं उनके ऊपर भी वो कलर आपका जो है वो इफेक्ट छोड़ देता, राइट. तो ये कुछ डेली लाइफ से एग्जाम्पल्स हैं सरफेस टेंशन के जो आपने नोटिस की. और कोई नोटिस किया, सूप, सूप अगर आप फ्रिज में रख दो और उसको अगर आप कंज्यूम करो तो डज द सूप अपीयर टू बी टेस्टी, नो, सूप इज हीटेड, हॉट सूप टेस्ट बेटर, कोल्ड सूप है इट विल ट्राई टू रोल इटसेल्फ एंड इट डजंट स्प्रेड ओवर द टंग प्रॉपरली, तो इसलिए आपको कोल्ड सूप टेस्टी नहीं लगता है. But when you heat the soup, hot soup tastes better because heating decreases the surface tension of soup. Okay, heating decreases the surface tension of soup, and because of that, what happens? It spreads more over the tongue and appears to be tasty. So, कभी भी आपने cold soup मुझे लगता नहीं कि पिया होगा, आप hot soup prefer करो, क्योंकि वो spread होगा ज़्यादा और आपको उतना ही taste आएगा उसका. Okay, another thing is. If you dip a paint brush in water, you see that the hair of brush they stick together inside water. और जब आप उसको बाहर निकाल inside water वो spread हो जाती है. और जब बाहर निकालते हो they stick together, they cling together. होता है ना ऐसे? When you dip the brush, paint brush in water, then the hair spread. But when you take it out, the hair of brush they cling together, they stick together. क्योंकि when we take it out, then a film of water is formed between the hair of the brush. So that film shows the property of surface tension. तो इसलिए वो stick कर जाते हैं. Surface tension की property आ जाती है और वो stick कर जाते हैं आपस में. तो ये कुछ examples हैं from the practical life. So these are due to which property of liquids? Surface tension. Okay, so let us come to surface tension. So as I told you, in this case, what will happen that the surface of every liquid acts like a stretched membrane. Why? So as to have minimum surface area. Because surface of every liquid tries to have minimum surface area. अभी हम उसका reason करेंगे कि why.
तो इसलिए मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने के लिए क्या होगा कि वो अपने आप को स्ट्रेच कर लेता है लाइक अ मेम्ब्रेन. सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सरफेस टेंशन. तो लिखिए अब डेफिनेशन सरफेस टेंशन की. सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड ड्यू टू विच its surface acts like a stretched membrane so as to have yeah in order to have minimum surface area. In order to have minimum surface area. In order to have minimum surface area. ठीक है. और मैथमेटिकली हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे. इट इज सपोज वी आर हैविंग अ लिक्विड सर्फेस. इफ वी इमेजिन अ लाइन, ठीक है, टेंजेंशियली अगर उसके दोनों साइड्स पे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, देन फोर्सेस एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ दैट इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द लिक्विड सर्फेस, दैट विल गिव अस सर्फेस टेंशन. सर्फेस टेंशन वी आर गोइंग टू डिनोट बाय टी, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टेंशन, टेंशन इन रोप्स एंड स्ट्रिंग्स. ठीक है, जो आपने पहले पढ़ा है लॉज ऑफ मोशन में, कनेक्टेड मोशन में, वो टेंशन डिफरेंट थी स्ट्रिंग्स की, वो टेंशन फोर्स है सिंपली. बट सर्फेस टेंशन इज नॉट अ फोर्स, इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द सर्फेस ऑफ वॉटर. ओके, गॉट इट. तो इसका फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ. डायमेंशन में भी किया हुआ है, आपको याद होगा. ओके, राइट दिस मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ सर्फेस टेंशन ऑल्सो. सर्फेस टेंशन इज डिफाइंड एज इमेजिनरी फोर्स या फोर्स, फोर्स ड्रॉन ऑन बोथ साइड्स. इट इज डिफाइंड एज द फोर्स ड्रॉन ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इमेजिनरी लाइन, फोर्स एक्टिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द वॉटर सर्फेस, इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द वॉटर सर्फेस पर यूनिट लेंथ ऑफ दैट लाइन, पर यूनिट लेंथ ऑफ दैट लाइन. सर्फेस टेंशन इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द वॉटर सर्फेस पर यूनिट लेंथ ऑफ दैट लाइन. तो इसका फॉर्मूला नोट करिए, फोर्स ओवर लेंथ. ठीक है, तो यूनिट क्या हुआ, न्यूटन पर मीटर, एंड डायमेंशन क्या हुई, m1 l0 t-2. किसके सेम डायमेंशन और किसकी होती है, विच अनदर क्वांटिटी इज देयर हैविंग सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ सरफेस टेंशन, और किसकी डायमेंशन होती है सेम. फोर्स कांस्टेंट की हुक्स लॉ में एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, के की डायमेंशन भी वही होती है एफ ओवर एक्स. अभी उस दिन प्रैक्टिकल में कल ही तो किया आपने, है ना. सो सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, बेसिकली इट इज नॉट द फोर्स. सो इट इज डिफरेंट फ्रॉम टेंशन. सरफेस टेंशन इज प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड. ऑल राइट, तो एग्जाम्पल आपने अब नोट कर लो इसके, सर्फेस टेंशन के एग्जाम्पल, पेंट ब्रश वाला एग्जाम्पल, इसकी एक्टिविटी भी आप कर सकते हो. लिख लो पेंट ब्रश सरफेस टेंशन. कोई करना चाहता है ये वाली एक्टिविटी भी करके दिखा सकते हो. पेंट ब्रश को वाटर में डिप करिए, उसके हेयर स्प्रेड हो जाते हैं. ठीक है, क्लोजली दिखाना है कि क्लियर हो, और जब बाहर निकालोगे हेयर स्टिक टूगेदर बिकॉज फिल्म, अ वॉटर फिल्म इज फॉर्म्ड बिटवीन द हेयर ऑफ द ब्रश, एंड ड्यू टू सर्फेस टेंशन दे ट्राई टू हैव मिनिमम सर्फेस एरिया, दे स्टिक टूगेदर.
ठीक है, हमने कहा है कि मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करेगा लिक्विड, तो वो जितना स्ट्रेच होने की टेंडेंसी रखेगा, जितना कोशिश कर सकता हो सके. अनदर एग्जांपल इज रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप. व्हाई आर द रेन ड्रॉप्स स्फेरिकल इन शेप? बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन के करके फॉर अ गिवन पैरामीटर सर्कल और स्फीयर हैज अ मिनिमम सरफेस एरिया एंड द लिक्विड वाटर लिक्विड दिस विल ट्राई टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया. So raindrops they assume a spherical shape. For a given perimeter, sphere has the minimum surface area. ठीक है, तो वो फिर spherical shape assume कर लेते हैं. इसीलिए raindrops spherical होती हैं. अब देखो कितने conceptual questions हो गए इस unit में. Why raindrops are spherical? This is because of surface tension. But why do the raindrops, big raindrops fall faster than the smaller raindrops? इसका क्या logic था? ये किया था ना हमने, एक कंसेप्चुअल किया था. इसका क्या था कंसेप्ट? दैट इज बिकॉज ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी. वी इज 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इन ओ जी ओवर ईटा. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर था. तो जितना साइज ड्रॉप का बड़ा है उतनी उसकी टर्मिनल वेलोसिटी ग्रेटर होगी. वो टर्मिनल वेलोसिटी पे बेस्ड है. ठीक है, तो देखिए कितने सारे कंसेप्चुअल इस यूनिट में से निकल के आते हैं. और भी कल का आपका वर्क ये है कि सरफेस टेंशन के एग्जांपल देखिए घर से इन योर सराउंडिंग्स एंड वी विल डिस्कस.